नमस्कार, आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा। एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन अपराधियों पर नकेल कसकर अपराध पर अंकुश लगाने का दावा करती है, तो वहीं दूसरी ओर अपराधी भी हर दिन नए नए अपराध को अंजाम देकर पुलिस महकमे के सामने ताल ठोक रहे। अभी ताजा मामला सुल्तानपुर जिले का है, जहां कोतवाली नगर क्षेत्र निवासी एक व्यवसायी की हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में मातम छा गया। वहीं पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। इस दौरान घटना से आक्रोशित व्यापारियों ने नेशनल हाईवे जाम कर जमकर प्रदर्शन किया। अच्छे स्कूल में एडमिशन कराएंगे और पूरी फीस उसकी जमा कराएंगे। निःशुल्क उनका रहेगा। एडमिशन ऑलरेडी है। एक एडमिशन है। एक बच्चों का हो जाए तो बता दो। दूसरे अच्छा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सम्मान में प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित शोध पीठ के क्रम में सोमवार को वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बने पंडित दीनदयाल शोध पीठ का विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर टीएन सिंह ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर सभी लोगों को शोध पीठ के उद्देश्य एवं उसके तहत किए जाने वाले कार्य के संदर्भ में जानकारी दी गई। वहीं कुलपति प्रोफेसर टीएन सिंह ने इसके उद्देश्य के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस मौके पर कुल सचिव साहब लाल मौर्य, वित्त अधिकारी आनंद प्रकाश, सह समन्वयक डॉक्टर के सिंह समेत अन्य शिक्षकगण मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश सरकार ने विगत वर्षों में एक शोध पीठ की स्थापना की थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सम्मान में, और काफ़ी सारे विश्वविद्यालयों में भी ये चेयर दी गई है, पीठ दी गई है, लेकिन आज इसकी विधिवत उद्घाटन किया गया और आज से ही यहाँ पे पंडित दीनदयाल जी के कृतित्व व्यक्तित्व के ऊपर शोध का कार्य प्रारंभ हो गया है। और आज इस समारोह में बलिया के कुलपति जी भी सहभागी हुए, वो मुख्य अतिथि थे और उन्होंने भी अपना पूर्ण सहयोग देने के लिए बातचीत किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए हंगामा न्यूज़। नमस्कार।